फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इस लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग। और ये कली वाला लहंगा है और इसमें बहुत ज्यादा घेर आया है। मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज आप तो लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग हमें बताइए। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज्यादा घेर है इस लहंगे में, और इस लहंगे की कटिंग मैंने किस तरह से की है और स्टिच किस तरह से किया है वो अभी आपको बताएंगे पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से। इसके साथ ही मैंने ब्लाउज की जो वीडियो है वो अपलोड की हुई है अपने चैनल पर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस ब्लाउज की कटिंग की और स्टिचिंग की, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं। उसके साथ ही मैंने इस लहंगे को अपनी मॉडल को पहनवा कर उसे रील्स शूट करवाया है, तो वो आपको रील्स मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पर। उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का। और साथ में अगर उस रील्स का आपको बिहाइंड द सीन देखना है तो वो मैंने अपने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला हुआ है बिहाइंड द सीन इस लहंगे को अपनी मॉडल को पहनाकर, तो वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए अभी कर दें इस लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट। तो हम यहाँ पर ले लेंगे दो फैब्रिक, एक है मेन फैब्रिक, एक है यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक। एक और लाइनिंग फैब्रिक हम लेंगे जिसमें हमारा कैन कैन अटैच होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल ये मेन फैब्रिक है और ये मैंने लिया है 5 मीटर। इसमें बहुत चौड़ा सा बॉर्डर बना हुआ है और ये नेट फैब्रिक में है। इसमें सीक्वेंस और थ्रेड दोनों का वर्क किया हुआ है। तो ये मैंने लिया है 5 मीटर। ये है लाइनिंग के लिए जो की है जर्मन सिल्क फैब्रिक, और ये पूरा थान है 10 मीटर, लेकिन इसमें से मैं 5 मीटर का यूज करूंगी। अब हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे मेन फैब्रिक को। तो मैंने यहाँ पर 16 फोल्ड किया है, और सबसे पहले लेंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कट कर लीजिएगा आपका जो भी लेंथ है। तो मैं यहाँ पर 40 लेंथ रख रही हूँ, 40 लेंथ पर हमने इसे कट कर लिया है। अब हम यहाँ से इंची टेप रखते हुए इसका मिडिल पॉइंट पर निशान लगाएंगे। जो भी मिडिल पॉइंट होगा वहां पर आप निशान लगा लीजिएगा। अब हम कलियों का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो वेस्ट है वो है 34 और हमारी कलियां 16 कटने वाली, यानी 16 कली का हम लहंगा बना रहे हैं। तो हम 34 में 16 को प्लस करेंगे। आपका जो भी वेस्ट है उसमें आप अपनी कलियों को प्लस कर दीजिएगा। तो हम जब 34 और 16 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 50। 50 में हम डिवाइड करेंगे हमारी कलियां यानी कि 16। तो 50 में हम जब 16 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 3 पॉइंट से ज्यादा, यानी कि 3 इंच से ज्यादा आ रहा है। तो अब 3 इंच से जो ज्यादा आ रहा है हमारा, उसे हम हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा हाफ आया है 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा इस साइड लगाएंगे निशान, 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा हम उस साइड निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड पे निशान लगा लिया। अब हमें नीचे की साइड पे बॉर्डर कट नहीं करना है, तो जब बॉर्डर हमें कट नहीं करना है तो यहाँ पर हमने 2 इंच ऊपर से ही हमें बॉर्डर कि ऊपर से ही हमें लेना है। तो 2 इंच पर हमने निशान लगाया, इस साइड भी हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हमारे जो कलियां हैं इस तरह से, इसे हम निशान लगाएंगे, दोनों साइड से हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड से इस तरह से कलियां बना ली है। अब हम इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे लहंगे की। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये फैब्रिक जो है जो हमने साइड से कट किया था ये बच गया है। तो अगर आपके पास बेबी है तो आप इससे बेबी का लहंगा बना सकते हैं, ट्विनिंग कर सकते हैं अपने साथ। तो यहाँ पर देखिए हमारी कलियां जो है वो कट गई है, 4-4 कलियां हैं इसमें। तो इस तरह से ये 16 कलियां जो है हमारी हमने लहंगे की कट कर ली है। अब हमारा जो लहंगा होगा इस तरह से स्टिच हो जाएगा। चलिए अब हम लाइनिंग की कटिंग करते हैं। तो लाइनिंग में हमने क्या किया है, 45 इंच हमने लिया और उसको हमने डबल कर लिया, डबल फोल्ड हमने कर लिया। और यहाँ पर हम वेस्ट का जो है निशान लगा रहे हैं 4-4 इंच पर। तो हमने देखिए 4-4 इंच पर निशान लगा लिया, सिक्योर पिन से हमने ऊपर में वेस्ट को सिक्योर कर लिया और ऊपर की साइड हमने कट कर लिए। अब नीचे की साइड की कटिंग हम करेंगे। तो यहाँ पर नीचे की साइड पे हम निशान लगाएंगे। तो आपका जो भी मेन फैब्रिक है उससे आप 1 इंच कम लीजिएगा जब भी आप इस लाइनिंग की कटिंग कीजिएगा, क्योंकि लाइनिंग हमेशा छोटी होती है। तो इस तरह से हमने नीचे निशान लगा लिया, इसी निशान पर हम कट कर लेंगे। हमारा ये पहली साइड है हमारे लहंगे की लाइनिंग की। इसी तरह हम दूसरी साइड भी लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे।
तो हमने दोनों साइड की लाइनिंग यहाँ पर कट कर ली है। देखिए ये पहला वाला पल्ला है हमारे लाइनिंग का, ये दूसरा वाला पल्ला। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मेन फैब्रिक की कटिंग की थी, तो मैंने आपको बताया था 2 इंच हमने छोड़कर यहाँ पर कटिंग किया था ताकि हमारा जो बॉर्डर है वो कट ना हो। तो अभी हम इसे यहाँ से ऊपर की साइड से मिलाते हुए, 2 कलियों को हम मिलाते हुए धीरे धीरे लेकर आएंगे और फिर नीचे की साइड पर हम बिल्कुल धीरे धीरे से निकालते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हम अपनी हमारी जो लहंगे की सारी कलियाँ हैं उन सारी कलियों को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक स्टिच करने के बाद अब हम लाइनिंग स्टिच करेंगे। हमारी जो दोनों साइड की लाइनिंग थी हम उन दोनों को आपस में स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों की साइड्स को हम स्टिच करेंगे। एक साइड पे मैं जिप लगाने वाली हूँ लहंगे में, तो मैं एक साइड पे 3 इंच के करीब मैं छोड़ दूंगी, ओपन रखूंगी और उसके बाद में सारी लाइनिंग को आपस में स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने लाइनिंग को आपस में स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं, देखिए पहली साइड, ये दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया है ओपन। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इतना ओपन छोड़ा है ताकि इसमें हम जिप लगाएंगे बाद में। अब हम इस लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर दोनों के वेस्ट को हम आपस में मिलाकर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे वेस्ट को स्टिच कर लिया है जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और हमारी जो लाइनिंग थी उसमें हम जिप लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जिप का जो है थोड़ा सा छोड़ दिया है, ओपन रखा है और उसके बाद हमने ऊपर की लाइनिंग जो है उसे अलग स्टिच किया है और मेन फैब्रिक को अलग स्टिच किया है। अब हम नीचे की साइड पे लाइनिंग जो थी हमारी उसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम हमारे लहंगे में कैनकेन अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और लाइनिंग ली है, ये मैंने उतनी अच्छी क्वालिटी की लाइनिंग नहीं ली है क्योंकि ये हमारी नीचे की साइड रहेगी तो उतने पता नहीं चलेगी ये लाइनिंग। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से 9 इंच पर लगा लिया निशान और फिर ऊपर की साइड से 12-12 इंच पर हमने इसकी गोलाई दे दी है और नीचे की साइड पे हमारे जो भी लाइनिंग था उसी लाइनिंग के अकॉर्डिंग हम इसे भी कट करेंगे क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक से ये भी छोटा रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। सेम हमने जैसे ऊपर वाली लाइनिंग की कटिंग की थी उसी तरह से मैं यहाँ पर इस लाइनिंग की भी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर हमारी जो ये फैब्रिक है ये घट गई है तो इसमें हम इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों साइड यानी कि दोनों पल्ले को जैसे हमने लाइनिंग की कटिंग की थी सेम हम इसे भी कटिंग करेंगे। बस इसका घेर जो है वो कम रहेगा। इसका मैं घेर बहुत कम रख रही हूँ। इसका आपको कम से कम फैब्रिक जो है वो आप 3 मीटर ले लीजिएगा तो आराम से आपका कैनकेन उसमें अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड्स को कट कर लिया है और साथ में मैंने यहाँ पर स्टिच भी कर लिया है। इसमें कैनकेन अब हमने कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी साइड्स को हम स्टिच करेंगे और नीचे की साइड भी हम यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हम ले लेंगे कैनकेन। तो यहाँ पर मैंने कैनकेन ले लिया है, इसमें से मैं 6 मीटर कैनकेन का यूज करने वाली हूँ। अब हमें इस कैनकेन को कितना कट करना है इंच पर आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 19 इंच पर इसे कट कर रही हूँ, आप चाहे तो 20 भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितनी ऊपर से चाहिए कैनकेन। तो मैं यहाँ पर 19 इंच पर निशान लगा रही हूँ और ऊपर की साइड पे मैं इसे कट कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कैनकेन जो हमारी 6 मीटर थी उस पूरे कैनकेन को मैंने यहाँ पर 19 इंच पर कट कर लिया है। ये हमारा कटा हुआ पार्ट है। अब हमें कैनकेन स्टिच करना है। तो कैनकेन को हमें किस तरह से स्टिच करना है, कैनकेन का बहुत सारा तरीका होता है स्टिच करने का। मैं इस
तरह से स्टिच कर रही हूँ कि एक ओपन साइड को मैं इस तरफ रख रही हूँ और दूसरी ओपन साइड को मैं ठीक उसके अपोजिट साइड रख रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बीच में हमारा बिल्कुल बंद है और दोनों साइड हमारा ओपन है। अब फिर से हम एक साइड ओपन करेंगे और ठीक अपोजिट साइड हम दूसरी तरफ ओपन करेंगे। तो इस तरह से हम पूरे कैनकन को स्टिच कर लेंगे। तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से स्टिच करना है। यहाँ पर ये देखिए नीचे की साइड पर कुछ इस तरह से हो जाएगा तो ये आपका लहंगा जो है फ्लफी हो जाएगा। तो हमें पूरा इसी तरह से स्टिच करना है, एक ओपन साइड इस तरफ रखनी है और एक ओपन साइड इस तरफ रखनी है। तो चलिए अभी हम इस कैनकन को स्टिच कर लेते हैं। कैनकन हमने स्टिच कर लिया है, हमारा जो 6 मीटर था उसे हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे कैनकन को स्टिच कर लिया। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं अब कैनकन कैसे लगाती लहंगे में, तो अब मैं आपको बता दूं कैनकन कैसे लगाएंगे, हम इसे अटैच किस तरह करेंगे। तो हमने 19 इंच लिया था हमारा कैनकन। अब हमने जो लाइनिंग कट की थी कैनकन के लिए उसे भी हम 19 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा कैनकन भी 19 इंच हमने रखा था और हमने लाइनिंग में भी यहाँ पे 19 इंच पे निशान लगा लिया। तो ये देखिए हमने 19 इंच पर निशान लगा लिया, दोनों साइड पे मैंने लगा लिया है। जो हमारी अंदर वाली लाइनिंग थी यानी कि कैनकन वाली लाइनिंग, तो उसे मैंने यहाँ पर इस पल्ले में भी लगाया है और दूसरी साइड भी हमने लगा लिया है। तो पूरे आप लाइनिंग में लगा लीजिएगा जितनी भी आपको कैनकन लगानी है, अटैच करनी है, जितनी भी 20 इंच 19 इंच जो भी। अब हम उसी निशान पर कैनकन को रखते हुए उसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हमने लाइनिंग के साथ कैनकन को अटैच कर लिया है और इस तरह से हमारा कैनकन जो है वो लग गया है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देना है। तो हमने यहाँ पर इसे इस तरह से रखकर इसके वेस्ट को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर ली है। अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट मैंने यहाँ पर 4.5 इंच का लिया है और 2 इंच हमारा जो है बेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे हार्ड के लिए इसमें पेस्टिंग पेपर लगाया है ताकि हमारा जो बेल्ट है वो सॉफ्ट ना लगे। और अब हम इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए इसके वेस्ट के साथ इसे स्टिच कर देंगे। तो हमारा जो वेस्ट है, हमारा जो कमर है वो बेल्ट के साथ रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारा जो वेस्ट है वो हमने बेल्ट के साथ रेडी कर लिया। यहाँ पर हमने हुक भी लगा लिया है और साथ में यहाँ पर मैंने जिप जो बताया था आपको, जिप भी हमने यहाँ पर लगा लिया। और इसी के साथ हमारा जो लहंगा है वो बनकर हो गया है रेडी। और आप देख सकते हैं ये देखिए ये इसकी यहाँ पर मेन फैब्रिक है, ये नीचे हमने लाइनिंग जो लगाई थी वो, और उसके नीचे हमने कैनकन अटैच किया था वो। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा घेर हमारे लहंगे में आया है। तो इसके ब्लाउज की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की है और मैंने आपको इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताया भी था। आपको अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मेरी रील्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस लहंगे की वीडियो अच्छी लगी हो, स्टिचिंग कटिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।